मेरी अम्मी भी ऑस्ट्रेलिया में है। उनसे मिलना चाहते हो? कैसे मुमकिन है? और बाबा अर्दलान भी कहते हैं कि अगर वो मुझे चाहती थी तो छोड़ कर नहीं जाती। मैं, तुम और अर्सलान तीन लोगों की एक फैमिली है, एक दूसरे के लिए जान भी दे सकते हैं। हम तीनों अलग हैं। दिन भर आप हैं और आपका काम, दिन भर मैं हूँ और मेरा कमरा। 18 साल इस औरत के साथ मैंने जिंदगी गुजारी, इसलिए कि तुम्हें उसके बाप के पैसों की जरूरत थी। क्या हुआ, नशे में हो? फरजाद, तुम उसके सामने जाकर उसके कमरे की तलाशी लेना चाहते हो ताकि ये थोड़ा बाप बेटी का रिश्ता जो बाकी है वो भी खत्म हो जाए। जब से तुमने मुझे नशा करते हुए देखा, मुझे मना तो नहीं किया और अगले दिन से मेरे लिए ड्रग्स भी लेके आ गए। इतने पैसे कहाँ से आएंगे? कैसे अपनी बहन की फीस जमा करोगे? कहाँ जा रहे हो तुम? शादी करके इंतजाम हो जाएगा। मेरे सर की ताज, मेरी बुजुर्ग रहा कहाँ है? मुझे क्या पता, कह रही है एक हफ्ते से कॉलेज नहीं आई। क्यों उसे क्लास में नहीं आने दिया कि गली कूचों में पड़ी रहे? हाँ, प्रिंसिपल आकर खुद ही आपको बताएंगे। तुमको यहाँ तनख्वाह नहीं मिलती क्या? तो फिर मेरे बेटे को अपने ड्रग्स का खरीदार मत बनाओ और अपने घर वापस चली जाओ। बेटी, वो लड़का जो कूचों में तुमसे प्यार करे तो उसी गली कूचों में तुम्हें छोड़कर जा भी सकता है। उसकी जेब से ड्रग्स मिले हैं। 6 साल पहले जब तुम्हारी अम्मी तुम्हें और अरसलान को छोड़कर गई थी तो कोई असर नहीं पड़ा, लेकिन अब मैं टूटा जा रहा हूं। कबल इसके कि वो कमबख्त कोई लैब तलाश करके मुझे बताए ताकि मैं समझूं कि तुम नशा करती हो या नहीं, समझूं बर्बाद हो गई हो या नहीं। मुझे बताओ कि नशा करने लगी हो क्या? मुझ पर रहम करो और बोलो, रहा तुम नशा करती हो? लैब में पता चला कि रहा वाकई नशा करती है, ड्रग्स लेती है। ले जाने दो क्लिनिक, उसकी मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। तुम इधर आओ, यहाँ खड़े रहो, ले जाने दो उसको इलाज के लिए, बेवकूफ आदमी। मुझे पहचाना? जी हाँ, रैना साहिबा, रहा की वालिदा, अर्दलान साहब की साबका बीवी। अर्दलान से शादी के बाद खरीद कर पहन ली ताकि हमेशा मुझे याद रहे कि मैं हर माँ की तरह बच्चों की फिक्र में हूँ। डॉक्टर कह रही थी रहा उस मरहले में है कि जिसमें लगता है कि जोड़ एक दूसरे से अलग होते जा रहे हैं। बहुत सख्त मरहला है। बहुत बहुत शुक्रिया। बिलाहर जिंदगी में मुझे थाने का रास्ता भी दिखा दिया तुमने। मेरी बेटी इससे क्लिनिक के कोने में पड़ी है और मेरा बेटा जेल के कोने में। जाइए आप। अगर मेरी बेटी में खराबी है तो आपकी बेटी में भी है। ये लीजिए, रेहा के कॉलेज से फोन है, प्रिंसिपल का फोन है। मैं वहाँ आकर कॉलेज में ताला लगवा दूंगा और इस वक्त तुमसे कह रहा हूँ प्रिंसिपल, मैं वही आ रहा हूँ कॉलेज बंद करवाने के लिए। मेरी बच्ची एक हफ्ते से कॉलेज नहीं आई, सड़क पर दरबदर फिरती रही। मैडम,
अरे प्रिंसिपल साहबा, आप अभी तक गई नहीं? मैं रेसलर था और ये सब जानते हैं। नेशनल टीम के साथ अक्सर सफ़र पर रहता था। मुझे ये कहना है कि वहाँ मुझे पता चला कि साथ में रहना कितनी अच्छी चीज़ है। हम तेहरान में काफ़ी दिनों से हैं। अब जब बात आ गई है तो बताता चलूँ, हम बहारिस्तान में रहते थे। इनकलाब के बाद तेहरान पार्ट शिफ्ट हो गए, मतलब मैं आ गया था। रजाई साहब मरहूम इनकलाब के इब्तदाई मरहले में घर खरीदने के लिए कर्ज दे रहे थे, उसी वक्त मैंने भी तेहरान पार्स में घर लिया। ये मेरा पहला घर था। जंग के ज़माने में जब सद्दाम सबका जीना दुभर किए हुए था, हम सबको अपनी अम्मी के घर मतलब वही बहारिस्तान में सुकून मिलता था। वाकई वो घर बहुत ही पुराना घर था, लकड़ी की छतें, लेकिन एक ख़ास उनसियत हो गई थी उस घर से, चूँकि वहीं हम सब जमा होते थे। जनाना कमरा अलग, मर्दाना कमरा अलग था। गर्मी में छत पर मच्छरदानी में सोते थे और मच्छरदानी भी जनानी और मर्दानी थी। सब पैसे जमा करते थे और हंसी खुशी खाते थे। नाराज़ भी होते थे, लेकिन फौरन नाराज़गी दूर भी हो जाती थी। एक दूसरे पर सबको भरोसा था। वाकई सब एक दूसरे का सहारा बने हुए थे। बमबारी का खौफ हम सब की ज़िंदगी से दूर हमारी खुशियों में गुम था, मतलब हम लोग और ज़्यादा बहादुर बन जाते थे। क्यों? चूंकि एक दूसरे पर भरोसा था। और ये हमारे आसपास वालों की कहानी है जो साथ में रहना ज़्यादा पसंद करते। इस घर को देखभाल की ज़रूरत है, घर में सफाई की ज़रूरत है, बिजली के तार में कोई मुश्किल पैदा हो गई है, सीढ़ियों पर रंग करने की ज़रूरत है, सब बर्बाद हो गया है। ये हमारे सुल्तानी साहब जो इस बिल्डिंग के मैनेजर हैं, वो अपनी जेब से तो ख़र्चा नहीं दे सकते ना। खुदा ना खास्ता अपनी जेब भरने के लिए तो पैसे नहीं लेते हैं। किसी जगह का मैनेजर बनना बहुत ही मुश्किल काम है, मतलब धूल मिट्टी में बैठना और ताने सुनना है। तो फिर अगर सुल्तानी साहब कहते हैं बिजली पानी के अलावा कुछ पैसे दे दीजिए, तो वो चाहते हैं घर मजबूती से खड़ा रहे। अगर ना हो मजबूत तो हम कैसे इस तरह एक जगह जमा हो सकते हैं और कैसे एक दूसरे का सहारा बन सकते हैं? बन सकते हैं जमशेद साहब? जी जनाब, सही बात है, मैं इसका मुखालिफ नहीं हूँ। मैं कहता हूँ कि इतने पैसे हों कि हम लोगों पर बोझ ना हो। मतलब अगर अचानक हम 4 मिलियन देना चाहें घर की मरम्मत के लिए, तो ज़्यादा है जलील साहब, है कि नहीं? जी हाँ, आज तो मोर ज़ाफ़रान के भाव और ज़ाफ़रान सोने के भाव है। जानता हूँ मुश्किल है, लेकिन किस्तों पर देंगे। लेकिन सुकून से रह सकेंगे, किस्तों में दें। हाँ ठीक है, नाराज़गी के बगैर। नहीं भाई, कैसी नाराज़गी, हम तो कम खाकर सोने के आदि हो गए हैं, नाराज़गी की क्या बात। तो फिर सलावत भेजें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। लीजिए जमशेद साहब, सुल्तानी साहब लीजिए। मरियम नहीं आई, फिक्र हो रही है, फोन करके देखूं कहाँ रह गई हो। ठीक, मैं भी आती हूँ। चाहिए जाइए। हाँ तो कहाँ से शुरू किया जाए सुल्तानी साहब, वायरिंग ज्यादा जरूरी है या? मरियम, तुम कब आई? बस अभी पहुंची हूँ, कमरे में जाने की हिम्मत नहीं थी मेरी, इसीलिए यहाँ बैठ गई। आ जाओ टेरेस में बैठो, पड़ोसी लोग आए, थकन दूर हो जाएगी। नहीं,
मूड नहीं है मेरा। जाऊं गुलाब लाऊं, सूंघ लो, तस्कीन हो जाएगी। नहीं मत लाए, सोंगी तो ठीक हो जाऊंगी। मरियम, कोई बात हो गई है? अभी तक सोई नहीं? तुम कौन सा सोई? मेरे आसपास आदमी भरे हुए थे, 5 भाई थे और 12 मामू, 2 देवर, 3 चचा। लेकिन इन सब में तुम्हारे बाबा की बात अलग है। होशियार, समझदार, बहुत ही अकलमंद। जानते थे कि तुम यहाँ हो टेरेस पे, लेकिन मुझे भेजा तुमसे पूछूं क्या बात है। कहते हैं माँ बेटी राजदार हैं, लेकिन भाई बेटी पर्देदार महरम हैं। कहते हैं पर्देदार महरम किसी काम का नहीं। कहने लगी जाओ तूबा, क्यों ऐसे बैठी हो? मेरी बेटी नाराज है, परेशान है, बारिश में बैठी हुई है। जाओ, जब तक पता ना चले मत आना। तुम्हें क्या हुआ है बेटा? नहीं अम्मी, कुछ नहीं अम्मी, वो दिन याद आ गए थे, बहुत बुरे दिन थे। जब बुरे दिनों की बात करती हो तो 2 बातें याद आती हैं। एक तो 5 साल पहले वाले, जब तुम्हारे शौहर सईद का इंतकाल हुआ, और फिर वो दिन जो अर्दलान तमजीद के साथ तुम्हारी मंगनी टूट गई। वो जो अर्दलान ने हम सब के साथ किया है ना, उससे बाबा की कमर टूट गई है। अब कैसे वो दिन याद आ गए? मैंने तो कभी किसी को बददुआ नहीं दी, अर्दलान तमजीद को भी नहीं, जिसने हमें बदनाम कर दिया। सभी कहते कि जरूर तुम्हारी ही बेटी में कोई कमी होगी। हाँ, तुम्हारे बाप भी शर्मिंदा हुए और हाजी सानी भी, जो इस शादी में आगे आगे थे, लेकिन जब सईद ने तुम्हारा हाथ मांगा तो कुछ जान में जान आई। कितने अच्छे दिन थे सईद के साथ। अच्छे लोग क्यों जल्दी चले जाते हैं? अब तन्हाई खत्म करो बेटी। सही तोप चला गया, खुदा उसकी मगफरत करे, लेकिन अब तो जा चुका है। तन्हाई इंसान को गुमराह करती है बेटी। मेरे पास जब तक आप हैं मैं गुमराह नहीं हो सकती। तुम 40 की हो चुकी, कब तक अकेली रहोगी? अम्मी, मैं जब तक आपके साथ हूँ तन्हा नहीं हूँ। अम्मी, आज मैंने अर्दलान तमजीद को देखा। तूबा, मैं अपना बिस्तर बिछा चुका हूँ, खुदा तुम्हें अच्छा रखे, एक जग पानी लेती आना। मरियम को क्या हुआ था? उसने आज अर्तलान को देखा।
अर्दलान तमजीद साहब, मैं नर्सिंग होम से बात कर रही हूँ। आप अपनी अम्मी की लाश लेने के लिए आ जाइए। السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله पी लीजिए, ये मट्ठा है, आराम से सो जाइएगा। मुझे नहीं सोना है, सोने से मुझे खौफ आता है, बुरे बुरे ख्वाब आते हैं। खुदा इंशाल्लाह सब ठीक कर देगा। गुलबानो, मैं अरसलान से कम मोहब्बत करता हूँ। अरसलान भी रहा की तरह बनना चाहता है, लेकिन लड़कों वाला मॉडल। तुम चुप क्यों हो? क्योंकि तुमने सबसे बात करने का हक भी छीन लिया है। आवाज ऊंची है, जबान तेज चलती है, काटती है। डर है अगर कुछ कहूँ तो मेरे सफ़ेद बाल की भी इज्जत ना करो। लेकिन तुमको एक नसीहत ज़रूर करूँगी। इतने पैसे, जाहो हशम किस काम के हैं तुम ही बताओ। कफन में तो जेब है ही नहीं, बच्चे तुम्हें देखने को तरसते हैं। जब आते हो तो अपने कमरे में पड़े रहते हो, आखिर वो भी तो तन्हा हैं। हम ये कहते हैं उनके लिए इतना अहम नहीं है कि बाप कितना कमाते हैं, वो ये देखते हैं कि उनके लिए कितना टाइम निकालते हैं। और जब टाइम भी देते हो तो माशाल्लाह इतनी कड़वी जबान है तुम्हारी कि वो सुनते ही नहीं है। कड़वी जबान तो बकवास है। मेरी उम्र और मकाम का कोई मर्द इस वक्त क्या सोचता है? नशा करना? नहीं, कौन कहता है? क्यों नहीं, मुझसे सुनो। मैंने कभी सिगरेट तक नहीं पी। उस औरत का गए हुए 6 साल हो गए, किसी औरत को मुड़ कर नहीं देखा। मेरी जिंदगी बस कुछ नामुरादों के साथ झड़प है, ताकि कुछ कमा सकूं अपने बच्चों के लिए। मैं उनके लिए पैसे बनाने की मशीन बन गया हूं, चूंकि अपने बच्चों के मुस्तकबिल की फिक्र है। चूंकि मैं नहीं चाहता कि पैसे कमाने के चक्कर में हर किसी के सामने हाथ फैलाएं वो। मैं नहीं चाहता कि दूसरों की जिंदगी पर हसरत हो उन्हें कि क्यों उनके पास है मेरे पास नहीं है। नतीजा क्या हुआ? रहा कहती है टाइम नहीं देते, मोहम्मद जबाद कहता है टाइम नहीं देते, तुम कहती हो टाइम नहीं देते। तो झूठ बोल रही हूँ, टाइम देते हो। उस औरत ने रहा को 13 साल की उम्र में छोड़ा है, लेकिन मुझसे ज्यादा उसे मानती है। वो भी गलत कर रही है, और ये भी सही है कि तुम्हारे बच्चों को छोड़कर चली गई है, और तुम्हें भी बहुत परेशानी होती है। अच्छा हुआ चली गई। अखरोट के पेड़ को खुशी होती है जब कव्वे नाराज होकर चले जाएं। उसका जाना उसके रहने से ज्यादा सख्त नहीं था, इस वक्त ज्यादा मुश्किल है। परेशानी इस वक्त है मुझे रहा की हालत
अरसलान का मुझसे खौफ खाना, मरियम से मिलना। मरियम? मरियम कौन है अर्दलान? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये वक्फ के नुमाइंदे से मीटिंग कब है? आधे घंटे बाद। अच्छा मरियम जी, कल रेहा के बाप से बात हुई आपकी? मैं अब उसके बारे में नहीं सोच रही। अगर उसका बाप आ भी जाए तो तुम लोग ही बात कर लेना, ठीक है? ठीक है। हुजूर कहाँ कहाँ चले? आपसे कह रहा हूँ मैं। अरे जनाब, ऐसे कैसे मुमकिन है? वो अभी किसी से नहीं मिल सकती। कल आए, आ जाए, जाइए जनाब। सानी साहब से ताल्लुकात की बना पर कल और आज मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन कम से कम दोनों साथ ही में आया कीजिए ना। अभी दो घंटे पहले इसकी अम्मी आई और अब आप, इसे आराम की जरूरत है। किसकी अम्मी आई है? रेहा की अम्मी कल आई थी, हमने मिलने नहीं दिया। आज सानी साहब के साथ आई थी तो मैंने तकल्लुफन उन्हें मिलने दिया। क्या बकवास कर रही है मोहतरमा? ये कैसे आप मुझसे बात कर रहे हैं? राना वापस आ गई है? इसका मतलब सलाम होता है। सलाम, राना वापस आ गई है? चलो कमरे में चलते हैं। राना वापस आई है? कमरे में चलो, वहीं आराम से बैठ के बात करेंगे। राना वापस आई है? ओफो, हाँ वापस आ गई। चलो बैठ के बात करते हैं। और तुम उसकी मदद करते हो और ले जाते हो मेरी बेटी से मिलवाने के लिए? मैंने किसी की मदद नहीं की, मैं बस तुम्हारा दोस्त हूँ, बस। दोस्त? हाँ दोस्त हूँ, वो भी ऐसे आदमी का दोस्त जिसकी समझ में कुछ भी नहीं आता है। और चलो चलते हैं मेरे कमरे में। सुबह सवेरे आके मेरे सर पे सवार हो गई, कह रही थी कि अर्दलान को राजी कर लूं कि रहा और अरसलान को मेरे हवाले कर दे, मुझे वापस जाना है। पानी नहीं पीना है? फिर पहले शायद रहा से कहा था कि वो आ रही है। मैंने कहा कि मैडम तुम्हारी बेटी नशा करने लगी, क्लिनिक में पड़ी हुई है,
चूंकि जब उसे माँ की ज़रूरत थी तो माँ का साया उसके सर पर नहीं था, घूम रही थी तुम। तुम्हारी बेटी बीमार है, उसे उसकी ज़रूरत है। मैं ले गया कि देखिए कि वो क्या कर रही है। अब बताओ मैंने किसकी मदद की? तुमने अपने घर में आने दिया? तो मुझे क्या करना चाहिए था? सुबह 4 बजे घर से निकाल दूँ? इस वक्त कहाँ है? तुमसे क्या मतलब? क्या चाहिए तुम्हें? क्या मतलब तुमसे क्या मतलब? मैं इजाज़त नहीं दूंगा, वो औरत उसके करीब से भी गुजरे, उसका कान पकड़ कर निकाल फेंकूंगा वहीं जहाँ थी। जी हाँ, घर नहीं ले जाना चाहिए था, क्लिनिक नहीं ले जाना चाहिए था। अब उसे तुम्हारे घर में नहीं रहना चाहिए। बात तो यह है कि वो मेरे घर पर नहीं, होटल में है। दूसरी बात यह कि अगर इतनी रात को कोई भेड़िया भी मेरे घर की बेल बजाए तो उसे ठंडक में मैं बाहर नहीं छोड़ूंगा। तीसरी बात यह है कि तुम्हें बहुत कुछ पता है जो मुझे नहीं पता है। देखो फालतू बात मत करो, कहना क्या चाहते हो बताओ। असल बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम जानते थे कि मरियम जमान मेरी बेटी के कॉलेज की प्रिंसिपल हैं, लेकिन मुझसे नहीं कहा। जानते थे कि मेरे बहुत करीब हैं, लेकिन मुझे नहीं बताया। असल बात यह है दोस्त, कहो। अच्छा, मैंने ऐसा क्या किया कि तुम दोस्ती का मजाक उड़ा रहे हो? वो अपनी ज़िंदगी जी रही थी और तुम अपनी ज़िंदगी जी रहे हो। मैं इधर से उधर बात करता तो अच्छी बात थी। देखो मोहम्मद जवाद, तुम जानते हो मैं क्या कह रहा हूँ। नहीं, वाकई मैं नहीं जानता कि तुम क्या कह रहे हो। उसके शौहर का इंतकाल हो गया था, वो लंबी छुट्टी लेकर घर पर थी। वो इस वक्त 6 महीने से इस कॉलेज में प्रिंसिपल है जो हाजी सानी ने वक्फ किया है। उसके बाप हाजी सानी के 30 साल पुराने दोस्त हैं, ये तो तुम्हें मालूम था ना। चलो अब बता दिया तो अब तुम खुश हो गए ना? अब बताओ उससे कहाँ मुलाकात है? उससे बात भी की? जनाब क्लिनिक से फ़ोन है, कह रही हैं बहुत ज़रूरी काम है। मेरी बेटी के बारे में है, लेकिन फ़ोन तुम्हें करते हैं? जी हाँ, उनके पास मेरा नंबर है। जब उस क्लिनिक में कोई नंबर वो मांग रही थी तो आप हंगामा मचाए हुए थे, तो मैं क्या करता बताओ। हेलो। हेलो सानी साहब, अस्सलाम वालेकुम। हमारे साइकोलॉजिस्ट आए हुए हैं, उन्होंने रहा की फाइल पढ़ी है। वो इलाज शुरू करने से पहले रहा के वालदेन से मिलना चाहते हैं। हमने इसकी अम्मी को फोन किया है, सुबह नंबर देकर गई थी। आप इसके वालिद को इत्तला दे दें ताकि वो भी आ जाए। किसने आपसे कहा कि उसको फोन करें? क्या सानी साहब? मैं तमजीद हूँ, रहा का बाप। मैं वहीं आ रहा हूँ, जिसे भी मैंने अपनी बेटी के सराहने देखा उसे जलाकर राख कर दूंगा। उस लड़की की कोई अम्मी नहीं है। अम्मी नहीं है कहो। अच्छा जनाब मोहम्मद जवाद साहब, ये आप थे जिन्होंने राणा के कदम वहां जमाए। औकात तो देखो, मोहतरमा नंबर देकर गई हैं ताकि उन्हें मशवरे के लिए बुलाया जाए। लेकिन तुम याद रखना, मैं उसके पांव काट दूंगा। अपने बच्चों की कसम, अगर तुम मेरे पीछे आए तो हमारी दोस्ती भी खत्म हो जाएगी। कहो। अच्छा यहीं बैठो।
अरे जनाब आपके बाकी पैसे। शुक्रिया तमजीद साहब, मैंने उन्हें डॉक्टर के पास जाने की इजाजत नहीं दी, आपका इंतजार कर रही थी। मेरी बेटी का यहां का खर्चा कितना है? 1 मिलियन 2 मिलियन कितना? और अगर मैं और ये खातून आधे घंटे के लिए यहाँ बैठकर बात करें तो कितने पैसे और देना पड़ेंगे? सानी साहब ने मुझसे ये नहीं कहा था कि इसे यहाँ एडमिट करने में इतनी मुसीबतें झेलनी पड़ेंगी। मैं बताऊंगा है पैसे कितने बढ़ेंगे। बढ़ेंगे नहीं, बस आप मिलकर किसी तरह अपनी बेटी की मदद कीजिए। जरूर, आप जाइए, हम किसी नतीजे पर पहुंच जाएंगे। मैं कभी तुमसे नहीं डरी, तो फिर ऐसे मुझे मत देखो। इसलिए कि मैं कभी डरावना नहीं बना, लेकिन अब बनना चाहूंगा। या तो तुम खुद यहां से चली जाओगी या मैं खुद तुम्हें निकालूंगा। तो मुझे निकालोगे? तुम गरीब और फकीर इंसान जो मेरे बाबा के पैसों के पीछे दौड़े। नहीं लगता। तुम्हारी बेटी नशा करती होगी चूंकि तुमसे डरती है। मेरा अरसलान कैसा है? हाँ, वो कब नशा करेगा? वो कब तुम्हारे इस खड़ूस में जाश का शिकार बनेगा? तुम्हारी बेटी तुम्हारे डर से एक इंसानी स्मगलरों के करीब हुई। तुम जानते भी हो इंसानी स्मगलर कैसे होते हैं, मतलब उनके सर को बॉर्डर पर काट कर फेंक देना। और मैं इसीलिए यहाँ आई हूँ कि मेरे बच्चे जिंदा रहें। मेरे बच्चों को दो, मैं ले जाना चाहती हूँ। 6 साल पहले भी तुमसे कहा था कि मेरे बच्चे दो, लेकिन नहीं दिए। 6 साल से अपने बच्चों के बगैर रोज घुट घुट कर जीती हूँ। मेरे बच्चों को दो। 6 साल अपने बच्चों के हक में बाप नहीं बने बल्कि बर्बाद कर डाला। मेरे बच्चों से दूर रहो, मेरे बच्चों के करीब मत आना। अपने बाप की बेटी हो तो मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूं। मेरे बच्चों से दूर रहो, सुना तुमने? कानून मुझसे नहीं कहता कि अपने बच्चों की तरफ ना जाऊं, और तुम्हारा काम तो गैर कानूनी तरीके से पैसे जमा करना है। कहना क्या चाहती हो? ये के तुम्हारे कदम बे कदम आती रहूंगी ताकि अपने बच्चों को ले सकूं। कदम बे कदम? कदम बे कदम। तो फिर आओ। आऊंगी। जनाब, जनाब सानी साहब फोन पर है, आपसे बात करना चाहते हैं। तुम दखल मत दो, कहो। अच्छा तो आप ही बात कर लीजिए ना, कम से कम आप ही बात कर लीजिए। अरे तो फिर कौन इनसे बात करेगा, वो बात नहीं कर रहे हैं। जनाब क्या है? तमजीद साहब इसकी तबीयत ठीक नहीं है, आप ये क्या कर रहे हैं? तमजीद साहब क्या कर रहे हैं? अरे जनाब ये बीमार है, क्या कर रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं आप? डॉक्टर ये क्या हिमाकत कर रहे हैं?
मेरी बेटी है, मैं उसे लेने आया हूँ। अरे मैं देखना चाहता हूँ कौन कदम ब कदम मेरे पीछे मेरी आएगा। नहीं जाएगी जब तक इलाज नहीं हो जाता। तुमसे क्या मतलब, तुम कौन होती हो? जब मैं कहती हूँ कदम ब कदम मतलब यही है। तुम्हारे बच्चे बहुत अकेले हैं, उन्हें माँ की जरूरत है। मुझे ड्रग्स चाहिए अम्मी। अपना नशा छोड़ना पड़ेगा, उस लड़के को भी भूल जाओ। रहो, उनकी माँ बनो, मुझसे शादी करो। मुझे प्यार की जरूरत है।